जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल के अब तक के इतिहास में इतना बड़ा ट्रेड हुआ नहीं है जितना बड़ा गुजरात और मुंबई के बीच में होने जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि मुंबई इंडियंस और गुजरात के बीच में हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा ट्रेड हो रहा है। इसमें बात यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि रोहित शर्मा को गुजरात लेगी और हार्दिक पांड्या को मुंबई लेगी। इसके बाद कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया मुंबई से अगर रोहित शर्मा चला गया तो मुंबई का क्या हाल होगा, क्योंकि फैन फॉलोइंग एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी आईपीएल टीम के लिए और रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग मुंबई के साथ काफी ज्यादा अच्छी। मुंबई ने अभी तक जितनी भी सफलता देखी है रोहित शर्मा की कप्तानी में ही देखी है। तो ऐसे में ये सब खबरें चल रही थी, लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक और ही बात ये निकल कर आ रही है कि रोहित शर्मा का कुछ नहीं होना है, रोहित शर्मा मुंबई में ही रहेंगे, बल्कि हार्दिक पांड्या को गुजरात मुंबई को देगी, क्योंकि उनके कुछ मैनेजमेंट से डिफरेंसेस चल रहे हैं और हार्दिक पांड्या खुद भी मुंबई में जाना चाहते हैं। इसके बदले में एक रकम की बात भी की जा रही है। इन सब चीजों के बारे में समझते हैं क्या कुछ चल रहा है इस समय आईपीएल के ट्रेड विंडो के गलियारों में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी कुछ होना है वो कल तक क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर आखिरी तारीख है ट्रेड विंडो के क्लोज होने की। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात टाइटंस ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को रिलीज करने का फैसला किया है। हार्दिक फिर से अपनी पुरानी टीम मुंबई में ही लौट रहे हैं। गुजरात की टीम से जुड़े सोर्सेज ने इस खबर को कन्फर्म भी किया है। शुभमन गिल को गुजरात की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं आईपीएल 2024 के लिए नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होनी है। इस ऑक्शन के पहले एक बड़ी खबर यह निकल कर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात टाइटंस के मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मुंबई का हिस्सा बनेंगे। हार्दिक ने साल 2015 में मुंबई इंडियंस की ओर से ही अपना आईपीएल करियर शुरू किया था। इस समय आईपीएल का ट्रेडिंग विंडो ओपन है, यानी टीमें अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं और किसी अन्य टीम से खिलाड़ियों की अदला बदली कर सकती हैं। पांड्या के मामले में बताया जा रहा है कि इस समय दोनों फ्रेंचाइजी हर तरह की डील की संभावना पर काम कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी यह है कि पांड्या के लिए मुंबई इंडियंस 15 करोड़ रुपए का भुगतान गुजरात को करेगी। इस कंडीशन में मुंबई को गुजरात के साथ किसी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं करना होगा। हालांकि मुंबई के पास इस सीजन के लिए सिर्फ 5.5 करोड़ का पर्स बचा है, बाकी के 9.5 करोड़ के लिए उसे किसी महंगे खिलाड़ी को रिलीज करना होगा। ESPN क्रिकेटिंफो के मुताबिक ये ट्रेड पूरी तरह से नकद में होना है, जिसके लिए मुंबई इंडियंस की टीम एक बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। अगर डील सफल रही तो ये पॉसिबिलिटी आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा प्लेयर ट्रेड होगा। हालांकि दोनों फ्रेंचाइजी ने अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद में मुंबई इंडियंस के पास पर्स में केवल 5 लाख रुपए बचे। अब आगामी नीलामी के लिए फ्रेंचाइजी को 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए, जिसका मतलब यह है कि केवल हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने के लिए मुंबई इंडियंस कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करेगी। खिलाड़ियों के रिटेंशन की डेडलाइन भी 26 नवंबर को शाम 4 बजे समाप्त हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि मुंबई की पांड्या की कीमत के आसपास के अपने खिलाड़ियों को गुजरात से ट्रेड कर ले। दोनों ही कंडीशन में मुंबई को अपने किसी महंगे प्लेयर को तो छोड़ना ही होगा। मुंबई के पास इस समय 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें से किसी एक को भी वो रिलीज कर दे या ट्रेड कर दे तो उनका काम बन जाएगा। ये खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीम, जिनकी कीमत करीब 17.5 करोड़, रोहित शर्मा 16 करोड़, ईशान किशन 15.25 करोड़ और जसप्रीत बुमराह जो कि 12 करोड़ के हैं। इनमें से कैमरन ग्रीन को ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल में पहली बार 2022 में उतरी थी। टीम ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहले सीजन में ही चैंपियन बनने का गौरव भी हासिल किया था। 2023 के सीजन में भी गुजरात टीम फाइनल पहुंची थी, जहां उसे सीएसके ने हरा दिया था। इतनी कामयाबी के बावजूद गुजरात की टीम और पांड्या का साथ छूटना फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। माना जा रहा है कि खुद हार्दिक दोबारा मुंबई से जुड़ना चाह रहे हैं। कोई भी टीम किसी भी खिलाड़ी को उसी कंडीशन में रिटेन कर सकती है जब टीम और खिलाड़ी दोनों की रजामंदी। हार्दिक ने अगर मुंबई लौटने का फैसला कर लिया है तो फिर गुजरात फ्रेंचाइजी के पास कोई ऑप्शन बच नहीं जाता। हार्दिक ने आईपीएल के पिछले 2 सीजन में अपनी कप्तानी क्षमता को भी साबित किया है, साथ ही वे भारत की व्हाइट बॉल टीम में भी अगले रेगुलर कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक को टीम की कप्तानी सौंप सकती। हालांकि रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने का फैसला आसान नहीं होगा। रोहित ने मुंबई को 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है और हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप में भी उनकी कप्तानी की जमकर तारीफ ही हुई है। साल 2022 में हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को उसके डेब्यू सीजन में खिताबी जीत दिलाई थी। तब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ फाइनल में हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे। साल 2023 में गुजरात टाइटंस ने दूसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई, जहां वो चेन्नई सुपर किंग्स से हार कर रनर पर रही थी। खास बात यह रही कि इन दोनों सीजन में हार्दिक की लीडरशिप में टाइटंस लीग चरण के दौरान पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही। गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या ने 30 इनिंग्स में 41 के एवरेज और 133 की स्ट्राइक रेट के साथ 833 रन बनाए। साथ ही उन्होंने 8.1 की इकोनॉमी रेट के साथ 11 विकेट भी लिए। हार्दिक पांड्या फिलहाल इंजर्ड हैं और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में केवल 4 मैच खेल पाए थे। अगर ये जो डील इस समय चल रही है, अगर ये डील पूरी हो जाती है
तो हार्दिक पांड्या ऐसे तीसरे कप्तान बन जाएंगे जिन्हें उनकी फ्रेंचाइजी ने ट्रेड किया। एक्सपीरियंस स्पिनर आर अश्विन आईपीएल 2020 से पहले पंजाब किंग्स को छोड़कर दिल्ली में चले गए थे। साल 2020 में ही राजस्थान रॉयल्स ने जिनके रहाणे को दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड किया था। गुजरात को आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले दूसरी फ्रेंचाइजी द्वारा पूल से तीन खिलाड़ियों को चुनने की अनुमति दी गई। गुजरात ने तब हार्दिक और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान को 15-15 करोड़ रुपए के हिसाब से साइन किया था, जबकि शुभमन गिल को 7 करोड़ रुपए में अपनी टीम से जोड़ा था। हार्दिक के करियर को संवारने में मुंबई इंडियंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मुंबई ने हार्दिक को साल 2015 में 10 लाख रुपए में खरीदा था। हार्दिक 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा भी रहे। आईपीएल 2021 तक हार्दिक मुंबई के साथ रहे थे। फिर साल 2022 की मेगा नीलामी से पहले हार्दिक को मुंबई ने रिलीज कर दिया था। उस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम 4 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती थी। तब मुंबई ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और कारण पोलार्ड को रिटेन करने का फैसला किया था। हार्दिक पांड्या ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2015 में मुंबई के साथ करी। उनकी मौजूदगी में अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 4 खिताब जीत भी चुके हैं। इसके बाद चोटिल हुए और जब वापसी की तो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। मुंबई ने उन्हें 2022 में रिलीज भी कर दिया था। तब से 2 सीजन से वे गुजरात के साथ जुड़े हुए थे। आईपीएल 2024 के ऑक्शन की बात करें तो 19 दिसंबर को दुबई में होगा। वहीं कल यानी कि 26 नवंबर तक ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगी। अब तक रोमारियो शेफर्ड, देवदत्त पडिकल और आवेश खान अपनी टीमों से दूसरी टीमों में ट्रेड किए जा चुके हैं। शेफर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई में आए, पडिकल राजस्थान रॉयल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में और आवेश लखनऊ से राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड किए गए। अब देखना होगा कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है, जो कि कल तक क्लियर हो ही जाएगी। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।